हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल भीड़ो के प्रिडिक्शन में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले इस मैच का सब अपडेट्स, एनालिसिस, टॉस प्रिडिक्शन और की प्लेयर्स के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगा, वीडियो के लास्ट तक जो बने रहे। तो बात करते हैं जहां पे पाकिस्तान का T20 लीग यानी PSL का लास्ट वीक चल रहा है। तो बात कर रहे हैं टूर्नामेंट के 27वें मैच की, जो कि खेला जाएगा मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद यूनाइटेड के बीच में। यह मैच आपको 10 मार्च को रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं अगर वेदर रिपोर्ट की बात करें तो जहां पे मैच के दिन मौसम पूरी तरह क्लियर रहेगा, ह्यूमिडिटी 35% रहेगा और टेम्परेचर 19 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अब बात करते हैं इनका विनिंग परसेंट, देखते हैं जहां पे बैटिंग फर्स्ट का यहां पे 56% जीतने का चांस है, वहीं बॉलिंग फर्स्ट का यहां पे 44% जीतने का चांस है। वहीं आगे बात करें इनका एवरेज स्कोर, देखते हैं जहां पे फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर 195 है, वहीं पे सेकंड इनिंग का एवरेज स्कोर 181 है। वहीं आगे बात करें दोनों टीमों का हेड टू हेड चेक करें लास्ट 3 मैच के अकॉर्डिंग, जहां पे इस्लामाबाद यूनाइटेड 1 मैच जीत के आ रही, वहीं पे मुल्तान सुल्तान 2 मैच जीत के आ रही। तो दोस्तों, वीडियो के आगे बढ़ने से पहले अगर आपको टॉस मैच सेशन की जानकारी चाहिए, हमारे स्क्रीन पे वीडियो भाई का नंबर दिया हुआ है, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे डिस्क्रिप्शन में भी उनका नंबर और टेलीग्राम लिंक भी दिया हुआ है। अब आगे बात करते हैं पहली टीम यानी मुल्तान सुल्तान का शॉर्ट एनालिसिस करते हैं, जहां पे टीम टूर्नामेंट में तहलका मचा कर रखी है और टॉप पे भी स्टेबल है। टीम अब तक ने बेहतरीन परफॉर्मेंस भी करके आ रही है हर एक मैच में। टीम अब तक 8 मैच खेली जिसमें से 6 मैच जीत कर पॉइंट टेबल नंबर 1 पे स्टेबल है। टीम प्लेऑफ में क्वालिफाई भी कर चुकी है। टीम के कैप्टन की बात करें जो कि विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान है, ओपनिंग में बात करें तो जहां पर रिजवान और रिजा हेंड्रिक्स खेल रहे हैं, नंबर 3 पर जहां पर उस्मान खान जो कि अच्छे फॉर्म में दिख रहे हैं। वहीं ओपनर की बात करें तो जहां पर रिजा हेंड्रिक्स जो टीम के लीडिंग रन स्कोरर भी है, उन्होंने 8 मैच में लगभग 304 रन बनाए। जहां पर डेविड मलन जो कि लास्ट गेम में आए थे लेकिन वो फ्लॉप साबित हो गए हैं। वहीं अगर मिडिल ऑर्डर में बात करें तो जहां पर खुशदिल शाह, इफ्तिकार अहमद है, इफ्तिकार का स्ट्राइक रेट बहुत ही अच्छा चल रहा है। जहां पर बॉलिंग में बात करें तो टीम लास्ट गेम में बहुत महंगी पड़ गई थी, जहां पर उसामा मीर ने अब तक सबसे ज़्यादा 18 विकेट लिए थे। मोहम्मद अली ने भी 14 विकेट ले चुके हैं। इंग्लैंड का जहां पर डेविड विलियन, क्रिस जॉर्डन को भी चांस मिला था, जॉर्डन ने 2 विकेट लिया था। टीम अपनी बेंच स्ट्रेंथ को टेस्ट कर रही है। अब बात करते हैं प्लेइंग 11 देखते हैं, जहां पे मोहम्मद रिजवान है जो कि कप्तान विकेट कीपर दोनों है, उस्मान खान है, रिजा हेंड्रिक्स है, इफ्तिकार अहमद है, खुशदिल शाह है, तैयब ताहिर है, डेविड विली है, मोहम्मद अली है, उसामा मीर है, आफ्ताब इब्राहिम है, क्रिस जॉर्डन है। वहीं अगर कुछ की प्लेयर की बात करें जो कि मोहम्मद रिजवान है, रिजा हेंड्रिक्स है, उसामा मीर है। बात करते हैं दूसरी टीम यानी इस्लामाबाद यूनाइटेड का शॉर्ट एनालिसिस करते हैं, जहां पर टीम ने टूर्नामेंट में अब तक अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। लास्ट गेम की बात करें तो वो भी मैच जीत के आ रहे, जहां पे 9 मैच में से 4 हार और 4 जीत के साथ पॉइंट टेबल नंबर पे स्टेबल है। वहीं टीम को अपना लास्ट मैच में जहां पे लीग मैच में खेलना पड़ा, यह जीत कर सीधे प्लेऑफ में क्वालिफाई कर सकती है। टीम के कैप्टन जहां पे ऑलराउंडर सदाब खान है, ओपनिंग में जहां पे मुनरो और हेल्स की जोड़ी देखने को मिल रही है, जो कि दोनों काफ़ी तहलका मचा रहे हैं ओपनिंग में, जहां पे मुनरो ने अब तक 225 रन बनाए। नंबर 3 पर जहां पे आकाश सलमान टीम के लीडिंग रन स्कोरर भी बैटर है, उन्होंने अब तक 8 मैच में 262 रन बनाए। वहीं कैप्टन की बात करें सदाब खान, जो खुद को बैटिंग ऑर्डर में प्रमोट कर रहे हैं, उन्होंने अब तक 224 रन बनाए। वहीं लोअर ऑर्डर में जहां पे विकेट कीपर आजम खान है, हैदर अली जो कि मैच को फिनिश कभी भी कर सकता है। बॉलिंग यूनिट में बात करते जहां पे नसीम शाह जो कि लास्ट गेम से बाहर थे, हुनैन साहब जो कि आउट ऑफ फॉर्म में चल रहे हैं, वहीं पे फहीम असफ जो कि पेस अटैक को लीड कर रहे हैं। यहां पे सदाब खान ने 8 इनिंग में 10 विकेट लेकर टॉप पे है। स्पिन डिपार्टमेंट में आपको इमाद वसीम जो कि लीड कर रहे हैं। टाइमर मिल्स ने लास्ट गेम में 3 विकेट लिए थे। अब बात करते हैं प्लेइंग 11 देखते हैं, जहां पे एलेक्स हेल्स है, कॉलिन मुनरो है, सदाब खान जो कि कप्तान है, आकाश सलमान है, आजम खान है, मैथ्यू फोर्ड है, नसीम शाह है, हुनैन शाह है, इमाद वसीम है, फहीम अशरफ है, टाइमर मिल्स है। वहीं अगर कुछ की प्लेयर की बात करें जहां पे आकाश सलमान है, कॉलिन मुनरो है, सदाब खान है। तो फाइनली दोस्तों, हमने हर एक चीज़ पे डिस्कशन कर लिया, अब आगे बढ़ते हैं चलते विनर के। तो हमारे कैप्टन आज का मैच बना यहां पे मुल्तान सुल्तान होगा, क्योंकि यहां पे दोनों ही टीमें स्ट्रांग है, बट अगर मुल्तान सुल्तान की बात करें तो काफ़ी स्ट्रांग है। बैटिंग लाइनअप और बॉलिंग लाइनअप दोनों काफ़ी ज़बरदस्त है और एक मैच में काफ़ी अच्छा बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रही है। यहाँ पे इस्लामाबाद यूनाइटेड को हार मिल सकता है। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट में बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।